विश्व सभा को विस्मित कर दे वक्ता वह निर्द्वंद चाहिए, जग को सुरभित कर दे फिर वह हिंदू धर्म मकरंद चाहिए, देश भक्ति का शंख फूकने वाला ऋषि निष्पंद चाहिए, मरणासन हिंदू को फिर से अपना उर्स्पंद चाहिए, हमको मोदी नरेंद्र चाहिए। योगी जी इसी तरीके योगा करवाते रहिए ताकि हमारे शरीर भी स्वस्थ रहे और हम लोग भी मस्त रहे। गुंडा आतंकवाद बिल में, योगी मोदी दिल में। बबुआ बुआ बबुआ बुआ सबका संकट एक है, जीतेंगे योगी बाबा जिनका हृदय नेक है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन काशी क्षेत्र को, यहां पे लोग आए और बूथ अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? इस बार बूथ जीत रहा है आपका? एकदम बिल्कुल जीत रहा है, भयंकर जीत होगी, भयंकर एकदम। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम जीतेंगे। अरे यार टोटी चोर क्या जीतेगा? अखिलेश नहीं जीतेंगे, आपकी यूपी में अब की बार बीजेपी सरकार। जय श्री राम, श्री राम। इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार, योगी सरकार। आपका बात बूथ मजबूत है? एकदम मजबूत है, टोटी चोरों से सावधान। यहाँ पे आए थे, क्या सीखा आपने आज? हमने देखा ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है और योगी जी की सरकार बनाने में हम लोग सफलता के साथ जो है हम उनका सहयोग करेंगे। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत अच्छा लगा, हम लोग प्रोग्राम देखे बहुत दिल खुश हो गया। प्रोग्राम देखने आए थे, क्या क्या कुछ सीखा आपने? हमने देखा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, हम लोग बहुत खुश हुए, देश के विषय में जो बताया, और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 300 प्लस में जो है यही सच्ची पार्टी है, जो वादा किया वो निभाया और आगे भी निभाएंगे। कौन कौन सा वादा निभाया? हर वादा नहीं गया, उज्ज्वला योजना निभाया है और भी बहुत से 370। गैस तो बहुत महंगा हो गया है। महंगा होगा तो सस्ता भी होगा ना भाई, महंगा होगा कब से होगा? होगा जल्दी होगा। हमने चुनाव 2022 में चुनाव जिताओ, जरूर आएगा सरकार 2022 में 350 पार रहा रही सरकार। पेट्रोल तो महंगा हो गया, वो तो सस्ता हो गया, भारत हो गया, भारत माता की। सरकार जहाँ जहाँ वहाँ पेट्रोल सस्ता है, फ्री का चाहेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। बीमारू प्रदेश बनाना चाहते हैं क्या मोदी जी अपने घर से? थोड़ी दूसरी पार्टियां तो महंगाई को मुद्दा बना रही है। चोर का क्या? चोर का दूसरी पार्टियां चोर है, दूसरी पार्टियां चोर है, भारत सबसे बड़ी चोर पार्टी, सबसे बड़ी चोर पार्टी सपा बसपा और कांग्रेस तो सबसे बड़ी। विकास हम लोगों को पसंद है, एक गवर्नमेंट जो है विकास कर रही है, हम लोगों को विकास चाहिए बस। काम की नाते नौकरी वोकरी मिली है कि नहीं? नौकरी वोकरी मिली है? मिली है, घर बैठे, घर बैठे किसी को नौकरी नहीं मिलती, घर बैठे किसी को नौकरी नहीं मिलती। जय श्री राम, जय योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? राम मंदिर ही रहेगा, रोजी रोजगार भी मिलेगा? रोजगार तो लग ही रहा है ना, जो जिंदाबाद। कोविड काल में इतना अच्छा व्यवस्था रहा, सरकार इतनी चीज चलाई, लोग पैदल पैदल चलते चलते मर गए। आप कह रहे हैं कि कहाँ पैदल पैदल चले चले हैं? देखो बात करो रोजगार की, रोजगार किसी को घर पे बैठे नहीं मिलता। हम लोग वैसे कभी किसी को सोच भी नहीं सकते थे हम लोग की माननीय स्वतंत्र सिंह जिंदा। काम गिनाते गिनाते रात हो जाएगा, गिनाते गिनाते इतना अच्छा रोड बन रहा है, बिजली 18 घंटे 20 घंटे दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और बाकी सब दे रहे हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को? सब काम सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, हर हर गवर्नमेंट से अच्छा कर रहे हैं, गुंडे ही बदमाशी खत्म हो रही है, चोरी छिनारा खत्म हो रहा है, सब सही हो रहा है। कह रहे तो बुलडोजर चलवा क्या अपनी पार्टियों के अपराधियों पर भी चलवाते देंगे, अगर गलत रहेगा तो चलवा देंगे। जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे पार्टी का हो चाहे अदालती का हो, बुलडोजर चलेगा। जो अपराधी कोई बाबा का काम बख्शे नहीं जाएगा। 350 पार के साथ मैनपुरी इटावा सैफई साहब, सपा जो है 25 तक रहेगी और बसपा जो है 10 से 12 तक आएगी बस।
महंगाई जो मुद्दा बन रहा है तो इस पर महंगाई तो आएगा, महंगाई तो कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, महंगाई पर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आ जाए नहीं रोक सकती। महंगाई हम और आप लाए हैं, हमारा आपका फैशन लाया है, हमारा आपका जो है कि हर एक चीज जो मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आप सरकार का क्यों जिम्मेदारी नहीं, सरकार क्या करेगी, हम और आप महंगाई ला रहे हैं, सरकार क्या करेगी उसमें, सरकार घर घर थोड़ी सबको सब पहुँचाएगी, घर से उठा कर थोड़ी ले जाएगी पहले की जैसा। लोग आरोप लगा रहे हैं कंपनियां तो सब बेच दे रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे। कौन सा कंपनी बिका आप बताइए, कौन सा कंपनी कौन सी बिकी है बताइए, बताइए आप बताइए तो बिकी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी है, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है आप पर, बताइए पार्टी का काम है आरोप लगाना, पार्टी का काम है आरोप लगाना, चोर हैं जो गोले सारी पार्टियां काहे नहीं एक हो गई बताइए, बीजेपी के समय सारी पार्टियां एक काहे बदे हुई, इससे पहले उखाड़ पाए तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कोई बीजेपी का बाल माका नहीं पर बुआ बबुआ आए देख लिया गया, सबका देख लिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, पार्टी को हराने के लिए सारी पार्टी एक हो गई। बस हम रोजगार मुद्दा रहेगा कि नहीं इस बार ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, कौन बेरोजगार है इस समय, कौन बेरोजगार है, आपको रोजगार मिला है क्या करते हैं? रोजगार, अरे हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, रोजगार है आपके क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार मिला, रोजगार तो मिल रहा है, कौन अखिलेश के राज में, कौन घूम रहे थे अखिलेश के राज में, कौन बेरोजगार था अखिलेश, सबके पास रोजगार था इससे पहले, अभी नहीं है। जनता राहत की सांस ले रही है, आतंकवाद मुक्त है एकदम पूरा, ये सबसे बड़ी सफलता है क्योंकि इससे पहले 100% रोजगार था बताइए तो, चलो भी मानते हैं पहले से अच्छा है, इसीलिए तो सरकार बदली गई, भी अच्छा है भाई, सरकार किस लिए बदली जाती है आप बताइए, सरकार किस लिए, भाई भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम की है, हमेशा हमेशा के लिए आतंक खत्म हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है ये हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, हमेशा हमेशा। उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन से घूम रही है, किसी को कोई चिंता नहीं, रात में जाना हो दिन में जाना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपराध मुक्त समाज बनाने का काम कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा गुंडा आतंकवाद बिल में, योगी मोदी दिल में, क्या 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 बोलिए, गुंडा आतंकवादी बिल में, योगी मोदी दिल में, दिल में, बबुआ बुआ बबुआ बुआ, सबका संकट एक है, जीतेंगे योगी बाबा जिनका हृदय नेक है। बबुआ बबुआ बुआ ओबैसी, सबका संकट एक है, जीतेंगे योगी बाबा जिनके हृदय नेक है। योगी जी इसी तरीके योगा करवाते रहिए, आइए आइए एक बार, योगी जी इसी तरीके योगा करवाते रहिए ताकि हमारे शरीर भी स्वस्थ रहे और हम लोग भी मस्त रहें, हम लोग भी मस्त रहें, क्योंकि आप जैसा चाह रहा था देश का युवा, आज का विश्व सभा को विस्मित कर दे वक्ता वह निर्द्वंद चाहिए, जग को सुरभित कर दे फिर वह हिंदू धर्म मकरंद चाहिए, देश भक्ति का शंख फूकने वाला ऋषि निष्पंद चाहिए, मरणासन हिंदू को फिर से अपना उर्स्पंद चाहिए, हमको मोदी नरेंद्र चाहिए। इसी पारियों में एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बना दे सारे सनातनियों के बिगड़े हुए काम, बना दे सारे सनातनियों के बिगड़े हुए काम। जो ये पार्टी है क्या हिंदू धर्म को लेकर ही सिर्फ वोट दिया जा रहा है, सारे पार्टियों को, यह बताइए जो यह आवाज दे रही क्या हिंदू को दे रही है, वह सभी को दे रही है, सभी जात को दे रही, सभी धर्म वालों को दे रही है, इसमें कोई धर्म बेस पर पार्टी काम नहीं कर रही है, यह सभी पार्टी है जिसमें सारे जाति सारे दलों के नेता किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि सबके लिए आ रहा है, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी भैया एक मिनट, हमारी पार्टी उनकी विरोधी है जो तालिबान पाकिस्तान का विचारधारों का साथ देती है, वो चाहे जिस कास्ट का हो चाहे जिस जात का हो, हम उसके पक्के दुश्मन है, हमारी पार्टी पक्का दुश्मन है, जो तालिबान पाकिस्तान का विचारधारों को साथ देती है, ऐसा उत्तर प्रदेश में जब श्री अखिलेश बाबू का सरकार आता है तो श्री उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का बसेरा हो जाता है, आजमगढ़ मऊ जिले में आतंकवादियों का बसेरा हो जाता है, जब से श्री आदित्यनाथ देव की भैया आए हैं, आतंकवादी नहीं आतंक के कई पुष्ट लोग ये बिल में हरा गए हैं, इनका पता नहीं है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, और
और सकून से सकून से सकून से हम लोग जी रहे हैं। सबकी बहन बेटी रात बिरात रोड पे चल रही हैं, गुंडा गर्दी के पता नहीं है। अगर कोई जरा से निगाह उठा कर देखता है तो जेल जाता है, उसको सजा मिलती है 5 साल के लिए। और अखिलेश बाबू ने कहा है कि सिर्फ एक जात की बेटी बेटी होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये अमेरिका पढ़ के आए हैं। मैं नगर पंचायत कादीपुर विधानसभा में समाज की पढ़ाई पढ़ा हूँ। मैं कहता हूँ वो चाहे जिस जात की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस धर्म की हो, चाहे डोम की हो, धरकार की हो, अगर वो बेटी है तो बेटी है। श्री अखिलेश ने कहा है सिर्फ एक जात की बेटी होती है, सिर्फ मुसलमान की बेटी बेटी होती है। मैं कहता हूँ वो चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे जिस जात की बेटी हो, वो बेटी है तो बेटी है। और आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये अभी जाइए 2022 में उत्तर प्रदेश से ये जा ही रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आजमगढ़ से चले जाएंगे, इनका पता नहीं लगेगा, ये इटावा भी इनको ठिकान नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मा मंडल का अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ। आज के डेट में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुस्लिम भी काफ़ी समुदाय से आ गए हैं। इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। विपक्षी दल तो महंगाई और रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें कोई कहने की बात नहीं। विपक्षी क्या आवाज़ उठा रही, कोई इसमें कहने की बात नहीं है सर। विपक्षी तो ऐसे कहते रहेंगे और हर समय हर सरकार में विपक्ष बोलते रहते हैं। इस बार लहर नहीं ललकार होगी, भाजपा की सरकार होगी। तो आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है, लोग भाजपा की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।